मत कांशीराम साहब की सभी बातें करते हैं और भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मानवर कांशीराम साहब का जो एक राजनीति एक लोहा है उसे सभी लोग मानते हैं। तो आपका क्या मिलने गए थे साहब और मैं अपने पिताजी के साथ गया तो एक झलक देखी थी मैंने उनकी, लेकिन मैंने साहब को पढ़ा जरूर है और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास किया है और समझने के बाद जो मुझे समझ में आया वो ये है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसने अपना घर छोड़ दिया, विवाहों में, जन्मदिन समारोहों में, अंतिम संस्कार में जाना छोड़ दिया, जिसने जीवन भर कभी भी अपना कोई अकाउंट नहीं रखा, जिसका कभी कोई बैंक बैलेंस नहीं रहा, कपड़े भी समाज ने जो दे दिए वो कपड़े पहने और उसके बाद पूरी जिंदगी समाज के लिए लगा दी, तो साहब के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। और जो बात उन्होंने कही, जिस बात के लिए जीवन भर उन्होंने काम किया, अगर समाज उसको समझ जाए, समाज उस पर चलना शुरू कर दे, उनकी शिक्षाओं को अगर अपने आचरण में उतार ले, तो मैं समझता हूँ बहुजन समाज का कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। कहते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि साहब कह क्या रहे हैं। मानवर साहब ने कहा कि मैं बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो समाज हुक्मरान होता है उस समाज पर कोई अन्याय और अत्याचार नहीं होता। और केवल कहा नहीं उन्होंने, उन्होंने करके दिखाया। सामाजिक संगठन स्थापित किए, सरकारी कर्मचारियों के संगठन स्थापित किए, जो DS4 और बामसिफ की आपने जिक्र किया, साथ में राजनीतिक पार्टी स्थापित की और सत्ता हासिल करके दिखाई। और केवल यही नहीं, जब साहब जीवित थे 10 राज्यों में जो पार्टी उन्होंने स्थापित की उसके सांसद विधायक जीत कर भी आए।